मैं एक दिन एक बड़ा यूट्यूबर बनूंगा और बाहरले मुल्कों में अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा। बेटा। हाँ जी अबू। जाओ बाहर से 50 रुपए का दही लेके आओ। दही ले आऊं? देख रहे हो यार, ख्वाब भी नहीं देखने देते। ख्वाब देखने लगो तो कहते हैं दही ले आओ। चलो। हमारे यहाँ पे एक दुकान है जिसका नाम है बट वाली दुकान। यहाँ से दही अच्छा मिलता है। हुण असीं जा रहे हैं बड़ी मस्त जगह ते, बोले तो एकदम वधिया। चलो जी। अच्छा गाइज, मैं इस जगह की बात कर रहा था कि ये बड़ी वीआईपी जगह है, आपको दिखाऊंगा सारा सीन यहाँ का। तो पीछे फसलें ही फसलें चारों तरफ, और यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे भी फसलें ही फसलें। वहाँ पे दूर थोड़ा सा एक रोड है, वहाँ पे करके वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम चलती है, तो शोर बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा पुरसकून इलाका है। तो मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर अक्सर आता होता हूँ। यहाँ पर थोड़ा मसाला बिछा के किनों माल्टों का इंतज़ाम करके, तो फिर यहाँ पर बैठते, मैं अभी दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से सारा सीन। तो यहाँ पे मैं अपने इस दोस्त के साथ यहाँ पे मसाला बिछा के तो यहाँ पे कुछ माल्टों का इंतज़ाम करके तो हम यहाँ बैठते हैं, और काफ़ी यहाँ का सीन सही बनता है फसलों के दरमियान में, तो काफ़ी सुकून है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे मेरा दोस्त है, मेरे साथ है, इसका नाम है वाजिद। अच्छा, इसका नाम वाजिद है। वाजिद भाई, आपने मोबाइल लेना था, आपने पुराना मोबाइल बेच दिया, तो लिया है कि नहीं कोई? ले लिया। अच्छा, कौन सा मॉडल लिया आपने मोबाइल? सैमसंग C7। अच्छा भाई, इसने सैमसंग का C7 मोबाइल लिया है, क्या उसकी कोई फंक्शन बताओ उसका, कितनी रैम है, कितनी मेमोरी है? मेरे ख्याल से 4GB रैम है और 32GB मेमोरी है इसकी। अच्छा, 4GB रैम और 32GB मेमोरी है। ये मोबाइल देखें भाई, दिखाओ बैक, दिखाओ भाई इसकी, ये मोबाइल है इसका। तो अच्छा, तो कितने का लिया मतलब ये? 32,000 का। गाइस, आपको एक सच का सामना करवाऊँ, ये सबके सामने कह रहा है कि 32,000 का इसके, इस मोबाइल के ना 6 गाहक लग चुके हैं इसके गांव में ना, मतलब लोग इससे, इसका मोबाइल काफ़ी पसंद आया लोगों को, तो लोग इससे कह रहे हैं कि भैया हमें सेल कर दो आगे। तो वो पूछते हैं कितने का लिया, तो कहते हैं 32,000 का। इसने 17,000 का मोबाइल लिया है और आगे 32,000 सबको बता रहा है, 32,000 बता रहा है। 25 का भी बिक गया, 20 का भी बिक गया, फिर भी 3,000 या 8,000 फ़ायदा है इसको। दोस्तों, कल आपने वीडियो में देखा ही होगा कि आपके भाई ने दोबारा गांज करवा दी है। हाँ हाँ, टोपी ली हुई थी यार, बस कोई देखे ना गंज को। अब यहाँ पे खेतों में आए हुए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, आवाज़ चल रही, थोड़ी गंज को हवा लगवाते हैं। अच्छा गाइस, सामने आप देख रहे हैं एक बच्चा है और साथ में उसका एक बच्चा है। तो वो आदमी उस बच्चे को चलाने की ट्राई कर रहा था पहले, तो बच्चा चल नहीं रहा था, और उस बच्चे ने अपने मालिक को गिराया भी है, टक्कर मार गया एक दफ़ा। तो अब उसको शक हो गया कि वो व्लॉग में आ रहा है, उसकी वीडियो बन रही है, तो अब वो बड़ी तमीज़ से चल रहा है। तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक ठोको, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। तो मिलते हैं कल के इंटरेस्टिंग व्लॉग में। अच्छा हाँ, मैंने कल जाना है लाहौर, तो मैं व्लॉग बनाऊंगा पूरा उसका, जाना किस लिए है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, ये जो मैंने अपने मोबाइल के लिए माइक ख़रीदना है, जैसे होता है ना वो व्लॉगिंग सेटअप होता है पूरा, ट्राईपॉड के ऊपर मोबाइल, ऊपर माइक लगा होता है, माइक ख़रीदना थोड़ा महंगे वाला, तो शॉपिंग करें थोड़ी सी और, तो वहाँ पर जाऊँगा, व्लॉग बनाऊँगा, तो वो भी अपलोड करूँगा यहाँ पर। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।